हाय, आई एम आर्यन। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट टू, जिसमें हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे नॉर्मल वाले सेंटेंस, मैं जा चुका हूँ, तुम खा चुके हो, राम खेल चुका है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले सेंटेंस, जैसे मैं नहीं जा चुका हूँ, तुम नहीं खेल चुके हो, राम नहीं पढ़ा है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या पहले आए, क्या तुम गए हो, क्या राम पढ़ा है, क्या वह खेल चुका है। उसके बाद लास्ट वाला WH फैमिली वाला सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ खेले हो, मैं कब गया हूँ, राम कहाँ पढ़ चुका है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, तुम जा चुके हो, तुम गए हो, या नॉर्मल सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव। फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ, हैव हैज में यहाँ हैव लगेगा। उसके बाद वर्ब जाना का गो, उसका सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन, यहाँ पर गोन लिखाएगा। मेरा सेंटेंस बना यू हैव गोन, तुम जा चुके हो, यू हैव गोन। तुम जा चुके हो का सेंटेंस बना यू हैव गोन। अब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तुम नहीं जा चुके हो, कुछ भी नहीं करना है, नहीं वाले सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है। यू हैव तीसरे नंबर पर नॉट गोन, यू हैव नॉट गोन, तुम नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गोन बनेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, क्या तुम जा चुके हो, यहाँ सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तुम जा चुके हो का सेंटेंस बना यू हैव गोन, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा सेंटेंस में। तो यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है, हैव को पहले कर देना, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। तुम जा चुके हो, यू हैव गोन, क्या तुम जा चुके हो, हैव को पहले करते हैं, हैव, उसके बाद बाकी सब सेम। यू गोन, हैव यू गोन, क्या तुम जा चुके हो, सेंटेंस बन गया हैव यू गोन। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं फॉर्मूला के अनुसार। सबसे पहले हैव हैज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब थ्री और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मेरा सेंटेंस है, क्या तुम जा चुके हो, सबसे पहले हैव हैज लिखेंगे। हैव हैज पता करने के लिए क्या पर देखना होगा, यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो सबसे पहले हैव लगा दिए फॉर्मूला के अनुसार। उसके बाद फॉर्मूला में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ, पहले हैव लिखे हैं उसके बाद यू लिखे हैं। उसके बाद वर्ब थ्री लिखना है, यहाँ पर क्या है, जाना, जाना का इंग्लिश गो होता है, उसका वर्ब टू वेंट और वर्ब थ्री गोन, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, गोन लिखाएगा। मेरा सेंटेंस बन गया, क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गोन, फॉर्मूला के अनुसार बन गया। और अगर इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, आपको याद रखना है। बाकी सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नॉट लगता है और WH फैमिली वाले सेंटेंस में फोर्थ यानी चौथे नंबर पर नॉट लगता है। तो ये WH फैमिली वाला नहीं है, तो यहाँ तीसरे नंबर पर नॉट लगाएंगे। तो मेरा सेंटेंस है, क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गोन। अब सेंटेंस बनाएंगे नहीं वाला, क्या तुम नहीं जा चुके हो, हैव यू तीसरे नंबर पर नॉट गोन, मेरा सेंटेंस बन गया, क्या तुम नहीं जा चुके हो, हैव यू नॉट गोन। अब WH फैमिली वाले सेंटेंस एक बना लेते हैं, तुम कहाँ जा चुके हो। अभी हम लोगों ने बनाया क्या तुम जा चुके हो का हैव यू गोन। तो WH फैमिली वाले सेंटेंस में कहाँ का इंग्लिश आगे लिखना है, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। जैसे अभी हम लोगों ने बनाया क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गोन, तुम कहाँ जा चुके हो, यहाँ कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, वेयर, उसके बाद पूरा वही उतार देंगे, हैव यू गोन, वेयर हैव यू गोन, मेरा सेंटेंस बन गया, तुम कहाँ जा चुके हो, वेयर हैव यू गोन। WH फैमिली वाला सेंटेंस बना लेते हैं फॉर्मूला के अनुसार। सबसे पहले फॉर्मूला में WH फैमिली होगा, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थ्री,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेरा सेंटेंस है तुम कहाँ जा चुके हो। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होगा, यहाँ पर क्या है कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है वेयर, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड वेयर लिख दिए। उसके बाद हैव हैज लगाना है, यहाँ सेंटेंस क्या था तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ हैव लगता है, तो यहाँ फॉर्मूला में हैव लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ, वेयर हैव यू। अब इसके बाद वर्ब थ्री लिखना है, यहाँ क्या है जाना, जाना का इंग्लिश गो होता है, वर्ब टू वेंट और वर्ब थ्री गोन, तो यहाँ क्या लिखेंगे गोन लिखेंगे। मेरा सेंटेंस बन गया वेयर हैव यू गोन, तुम कहाँ जा चुके हो या तुम कहाँ गए हो, इसका सेंटेंस बना वेयर हैव यू गोन। इस फैमिली निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया है कि नॉर्मल सेंटेंस में थर्ड नंबर पर नॉट लगाना है और डब्ल्यू एच सेंटेंस में फोर्थ नंबर पर नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस में थर्ड नंबर पर और डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस में फोर्थ नंबर पर। तुम कहाँ नहीं जा चुके हो या सेंटेंस होता तुम कहाँ नहीं गए हो, तो हम बनाएंगे सब कुछ सेम रहेगा वेयर हैव यू, और तीसरे नंबर पर नहीं चौथे नंबर पर यहाँ नॉट लगाना है क्योंकि वेयर पहला हैव दूसरा यू तीसरा और चौथा क्या है नॉट, चौथे नंबर पर नॉट लगाएं और उसके बाद गॉन वेयर हैव यू नॉट गॉन, मेरा सेंटेंस बन गया तुम कहाँ नहीं गए हो वेयर हैव यू नॉट गॉन। एक और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, राम खा चुका है। सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट नाम का नाम ही लिखाएगा, यहाँ एक नाम है इसलिए हैज लगेगा, तो राम लिख दिए सब्जेक्ट। उसके बाद हैव हैज लगाना है, एक नाम के साथ हैज लगता है हैज लगा दिए। उसके बाद वर्ब थ्री लगाना है, राम खा चुका है, यहाँ क्या है खाना, खाना का इंग्लिश ईट होता है, वर्ब टू एट और वर्ब थ्री ईटन, यहाँ क्या लिखना है वर्ब थ्री ईटन लिख दिए। और यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो मेरा सेंटेंस बन गया राम हैज ईटन, राम खा चुका है राम हैज ईटन। अब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, राम खा चुका है राम हैज ईटन, राम नहीं खा चुका है या राम नहीं खाया है, तो इसे कैसे बनाएंगे, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, राम पहला हैज दूसरा तीसरे नंबर पर नोट लगाएं उसके बाद ईटन, राम हैज नॉट ईटन, मेरा सेंटेंस बन गया राम नहीं खाया है राम हैज नॉट ईटन। आप सेंटेंस जैसे बोल सकते हो, राम नहीं खा चुका है राम नहीं खाया है राम नहीं खा लिया है, आप जैसे बोल सकते हो, एक ही सेंटेंस से बनेगा एक ही तरीके से, आपका बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, राम खाया है का सेंटेंस बना है राम हैज ईटन, क्या राम खाया है, इसे बनाने के लिए हैज को पहले कर देना है बाकी सब सेम हो जाएगा, हैज राम ईटन मेरा सेंटेंस बन गया, क्या राम खाया है या क्या राम खा चुका है हैज राम ईटन। और अगर इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है क्या नहीं वाले, तो तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, क्या राम नहीं खाया है हैज राम तीसरे नंबर पर नॉट ईटन, हैज राम नॉट ईटन। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली वाला बनाते हैं तो जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड रहेगा कब क्यों कहाँ कैसे उसको आगे लिख देंगे और बाकी सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली आगे उसके बाद हैव हैज उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब थ्री और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला वाइज है आप आसान से भी बना सकते हो। तो मेरा सेंटेंस है राम कब खाया है, क्या राम खाया है का हैज राम ईटन था, राम कब खाया है कुछ भी नहीं करना है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आगे लिखना है, यहाँ पर क्या है कब, कब का इंग्लिश क्या होगा वैन, सबसे पहले वैन लिख दिए और सेम इंटरोगेटिव का बन जाएगा वैन हैज राम ईटन। और डब्ल्यू एच फैमिली निगेटिव बनाना है तो डब्ल्यू एच फैमिली में चौथे नंबर पर नोट लगता है, राम कब नहीं खाया है वैन हैज राम चौथे नंबर पर नॉट ईटन, मेरा सेंटेंस बन गया वैन हैज राम नॉट ईटन, राम कब नहीं खाया का सेंटेंस बना वैन हैज राम नॉट ईटन। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, ये रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये रहा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और ये रहा डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस।
और ये रहा डब्ल्यू एच फैमिली वाले नहीं वाले सेंटेंस, नॉट वाले सेंटेंस। ये रहा आप लोग का होमवर्क, कमेंट में ज़रूर लिखें इसको। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियोज के।